गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई भारी बारिश एवं नेपाल द्वारा वाल्मीकि नगर बैराज से लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण जिले में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। लगभग एक माह तक बाढ़ की विभीषिका झेल चुके लोगों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन एक बार फिर बाढ़ की दस्तक से लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हो गए हैं। तेज बारिश एवं नेपाल द्वारा भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से पकाहा स्थित सारण तटबंध एक बार फिर से ध्वस्त हो गया है, जिससे बाढ़ का पानी रविवार को प्रखंड के बेलौर, सतजोड़ा एवं टोटहा जगतपुर पंचायत के विभिन्न गाँव में तेजी से फैल रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण सारण के निचले इलाकों में बसे पृथ्वीपुर, सलेमपुर, बसहिया आदि गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच बाढ़ की मार झेल चुके ग्रामीणों ने एक बार फिर नहरों, सड़कों एवं ऊंचे स्थानों पर अपना स्थायी आशियाना बनाना शुरू कर दिया है।